Hey yo my lovelies, welcome back to my channel. And शादी season already चल रहा है, हमें काफी सारी weddings attend करनी है and बिना तैयार हुए तो हम जा ही नहीं सकते. So yeah, here I am to show you this makeup look, इसका tutorial देने के लिए. And काफी ज्यादा लंबा चला जाएगा I guess, because मुझे shoot करते करते काफी देर हो गई. सो हम ज्यादा देर इंट्रो में वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो की तरफ चलेंगे. तो चले. सो आई जस्ट केम अ लिटिल बिट क्लोज ताकि आपको पास से दिख सके. एंड सबसे पहले मैं अपने आप को कवर कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ी ठंड है. सो प्लीज बेयर विथ मी. सबसे पहले मैं अपने बालों को पीछे कर लूंगी ताकि हमको मेकअप करने मिल सके ढंग से. सो नाउ गाइज, मेकअप से पहले ये मैं पता नहीं कितनी बार बता चुकी हूँ, एक आपके पास सही और स्मूथ बेस होना चाहिए. आपकी स्किन जो है वो प्रेप्ड होनी चाहिए फॉर दैट मेकअप. सो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना फेस क्लीन करना है. दूसरा, आई एम गोना बी मॉइस्चराइजिंग माई फेस विथ निविया. ये आप देख सकते हो साइज से ही कि कितना हम ठंड में यूज करते होंगे. आई हैव जस्ट स्टार्टेड एंड पूरी ठंड में आई एम गोना यूज दिस. आई वुड नॉट रिकमेंड दिस टू ऑयली वंस, ऑयली स्किन वाले, बट ड्राई और मेरे जितने कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ स्किन के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है. फेस के साथ साथ लिप्स को मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. मेरा तो स्पेशली, मेरे लिप्स इतने ड्राई रहते हैं पूरे साल, सो आई नीड टू यू नो मॉइस्चराइज देम बिफोर माई मेकअप. सो आई एम गोना बी यूजिंग दिस ब्लू हेवन का लिप बाम. इट्स सो क्यूट, इट्स सो सैटिस्फाइंग यार. आज तो मैच भी कर रहा है मुझसे. एंड इसकी जो खुशबू है ना वो बूमर जैसी है. इसका मैंने कोकोआ वेरिएंट भी ट्राई किया हुआ है ब्लू कलर में. दीज आर सो गुड और ये इतने चलते हैं, प्लस ये बहुत अफोर्डेबल है. गाइज, एज इट इज़ अ वेडिंग सो थोड़ा हैवी जाना पड़ेगा बेस के साथ भी. सो टूडे आई एम गोना बी यूजिंग Maybelline Superstay एंड माई शेड इज 128 वॉर्म न्यूड. एंड ये बहुत अच्छा है गाइज, इट्स अफोर्डेबल, प्लस ये आपको काफ़ी अच्छी कवरेज देगा फॉर वेडिंग सीजन. आप ये पूरे वेडिंग सीजन यूज कर सकते हो. और अगर आपको कोई छोटे मोटे फंक्शंस के लिए जाना है तो आप फिट में भी यूज कर सकते हो. दीज आर सो गुड. गाइज, जब तक आपका ब्लेंडर डैम्प नहीं होगा तब तक वो कवरेज और वो ब्लेंडिंग नहीं हो पाएगी. सो मेक श्योर इट्स डैम्प. उसको गीला करके पूरा उसका पानी निकाल दो. वो सिर्फ फील होना चाहिए गीला, दैट्स इट. उसमें बिल्कुल भी पानी होना नहीं चाहिए. उसको आप टॉवल से या टिश्यू से पोंछ दो, पूरा पूरा उसका पानी निकाल दो. बस वो सॉफ्ट फील होना चाहिए आपको ऐसा. ओके. बेस इज डन. अभी भी मुझे ये थोड़ा मीडियम कवरेज लग रहा है. आप चाहो तो इसको बिल्डअप भी कर सकते हो थोड़ा थोड़ा दोबारा करके, बट आई थिंक इतना ठीक है बिकॉज दूसरा मेकअप आता है तो वो उठ जाता है. इफ यू वॉन्ट आप दो पंप्स ले सकते हो फॉर श्योर. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप एंड इट्स द कंसीलर. आई एम गोना बी यूजिंग स्विस ब्यूटी का कंसीलर. इट्स इन द शेड 03. बहुत ही कम. आईलिड्स पे भी मैं लगा दे रही हूँ ताकि आई शेडो के लिए एक बेस बन जाए और थोड़े डार्क स्पॉट्स पे. गाइज, मैं अंडर आईज सबसे एंड में ब्लेंड करूंगी बिकॉज आप अगर इसे 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट छोड़ देते हो
तो ये बहुत अच्छी कवरेज देता है उसके बाद ब्लेंड करने से। अगर एट अ टाइम ब्लेंड कर दोगे तो भी देगा, बट उतनी अच्छी नहीं देगा। गाइस ये मेथड सीरियसली, ये जो हैक है ना वो बहुत सही है कि कुछ सेकेंड्स तक इसको छोड़ दो, क्योंकि एक तो ना ब्लेंड ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे, बहुत इजीली ब्लेंड हो गया। प्लस कवरेज जितनी देता है उससे सच में ज़्यादा बेटर दे रहा है। सो मैं ये हैक हमेशा यूज़ करती हूँ, आप भी यूज़ किया करो। अब हम जल्दी से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। वैसे ठंडियों में इतनी ज़रूरत तो नहीं होती, बट यार हल्का सा सेट करना जरूरी है फॉर द फंक्शंस। सो आई एम गोना बी यूजिंग दिस मेबलिन फिटनी पाउडर। माय शेड इज 20 लाइट मीडियम। रिमेंबर टू स्ट्रेच योर स्किन ताकि पाउडर अच्छे से बैठ सके, भले आप कितने ही मुंह बनाने पड़े बट अच्छे से अपनी स्किन को स्ट्रेच करके उस पर पाउडर को सेटल करना है। यूजुअली आई जस्ट लाइक टू यू नो सेट माई अंडर आईज, दैट्स इट, बट मैं हल्का से यहाँ भी सेट करूंगी बिकॉज माई लाइन्स पड़ जाती हैं कभी कभी। सो या ऑनेस्टली आई लाइक द बेस, मुझे बेस बहुत अच्छा लग रहा है। सो लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, आइस करें या फिर बेस पे बस ब्लश से कंप्लीट कर दें? आई थिंक लेट्स डू द आइस फर्स्ट। आई एम गोना बी यूजिंग अ न्यू प्रोडक्ट जो मेरी लाइफ में आया, इट्स दिस के ब्यूटी की आई शेडो स्टिक। आया नहीं, मैंने मंगाया एक्चुअली। इट्स इन द शेड प्लश, PLUSH। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इसको शार्प करते हैं या इसको बाहर निकालते हैं? आई एम सॉरी, ओके, इफ़ यू यूज़ दिस एंड यू नो हाउ टू, प्लीज़ टेल मी। अगर आपको ऐसा ही कुछ करना है तो आप अपनी लिपस्टिक से भी कर सकते हो, बट मेक श्योर वो लिपस्टिक बहुत ज़्यादा क्रीमी ना हो, नहीं तो वो पूरी क्लम्प अप हो जाएगी एंड मैसी हो जाएगी। सो या कीप दैट इन माइंड। थोड़ा ज़्यादा लगाया है सो दैट क्रीज थोड़ी डार्क लगे, अंदर का थोड़ा सा लाइट लगे। बहुत हल्के हाथ से मैं सिर्फ इसको ब्लेंड करने वाली हूँ। बिकॉज गाइस हम अपनी फिंगर्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट दे डू वंडर्स, दे डू मैजिक। कलर आ गया है, पिगमेंट आ गया है, एंड मुझे ऐसा ही कुछ लुक चाहिए था जिसमें थोड़ा ना एक ही टाइप का कलर दिखे। लाइक आई डिडंट वांट दो तीन शेड्स, बस थोड़ा सा डार्क लाइट का फर्क दिख जाना चाहिए, दैट्स इट। नाउ इट्स टाइम फॉर द मेन थिंग, बिकॉज शादी का मेकअप इज नॉट कम्प्लीट विदाउट ग्लिटर्स और पिगमेंट्स और यू नो जस्ट दैट चमक। सो आई एम गोना बी यूजिंग दिस निका के की ऑटम स्पाइस पैलेट। इसमें मेरे पास 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, जो मेरे कलर से सबसे ज़्यादा मैच करेगा मैं वो लगाऊंगी। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा जा रहा है, राइट? दिस वन इज गोइंग वेरी वेरी वेल। और मैं आपको एक दो ऑप्शंस और दे देती हूँ अगर आपके पास ऐसे कोई पैलेट नहीं है तो। एक आप ये खरीद सकते हो, ये आपको शादी सीजन में कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा गाइज। दिस इज स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो एंड यू कैन सी ये काफ़ी यूज मैं कर चुकी हूँ, ये बहुत यूज़ करती हूँ मैं। इसको डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ, आई जस्ट टेक इट ऑन माई फिंगर्स। डिपेंड करता है आपको कितना हैवी लुक पे जाना है, एंड दिस इज सो अफोर्डेबल। ये बहुत अच्छे रेट पे आपको मिल जाएगा, प्लस ये बहुत ज़्यादा चलेगा एंड वेडिंग सीजन में आपके बहुत काम आ सकता है, सो आप ये भी ले सकते हो। एंड अगर आपको ये भी नहीं करना है सो आपके पास अगर हाइलाइटर पड़ा है सो दैट्स द थर्ड ऑप्शन। आप कोई सा भी हाइलाइटर या कोई प्रेस्ड ग्लिटर पड़ा है वो भी आप लिप्स पे लगा सकते हो, इट विल ऑल्सो लुक वेरी वेरी गुड। फिलहाल मैं अपना ये शेडो लगाऊंगी विथ स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल, नॉट फ्रॉम इनर।
काफी अच्छा जा रहा है मेरे कलर के साथ। यही सेम चीज गाइज आप ब्राउन कलर में कर सकते हो, थोड़ा पिंक टाइप ऑफ न्यूड पिंक कलर में कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से आप कलर्स को थोड़ा मिक्स मैच कर सकते हो। वी आर ऑलमोस्ट डन। अब मैं इस पे लाइनर लगा दूंगी एंड अपना वही पुराना फेवरेट लैकमे इंस्टा लाइनर, जन्मों जन्म तक चलता है, जन्मों जन्म तक। एंड डोंट माइंड दिस प्लीज, मैं शेडो को हटा रही थी, इसकी पिगमेंटेशन इतनी खतरनाक है कि ये पूरा मेरा हाथ खराब कर दिया इसने, सो प्लीज इग्नोर दैट। गाइज लाइनर से भी बहुत फर्क पड़ता है, आप जिस टाइप का लाइनर बनाओगे उस टाइप का आपका लुक लगेगा। आप भले ज़्यादा ही विंग्ड बनाओ या बेसिक बनाओ, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू, बट ना छोटे छोटे स्ट्रोक्स में बनाओ सो दैट वो बिगड़े नहीं। भले दोनों साइड का अलग हो, वो तो भैया होना ही है, दोनों साइड का अलग कभी सेम नहीं होना, बट एटलीस्ट वो बिगड़े नहीं, बिकॉज हमारा आई लुक पूरा बिगड़ जाएगा उसके चक्कर में, सो कीप दैट इन माइंड। Now I'm gonna be completing my eyes with a mascara. Obviously उसके बिना तो आपकी आँखें कुछ लगेंगी ही नहीं, उसके साथ जो difference आता है आँखों में that's just नहीं बोल सकती मैं, मतलब। And I'm gonna use my favorite Lash Paradise from L'Oreal. इसका जो look है ना, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा fake lashes लगाए हुए हैं। अगर मुझे पता है कि यार हर किसी से fake lashes नहीं लगते, even मुझसे भी नहीं लगते, I don't know how to apply fake lashes, so this helps me a lot. Look how opened up my eyes look. And मैंने एक और चीज सोची, वैसे मैंने मस्कारा नीचे लगा लिया है, but I'm gonna be using this क्योंकि वो बहुत जल्दी सूख जाता है मस्कारा, सो मैं ना इसको भी थोड़ा सा अपनी यहाँ पे वाटर लाइन में लगाने जा रही हूँ। ओके, सो ओनली द ब्लश एंड द लिपस्टिक आर लेफ्ट। सो मुझे लग रहा है यार, अगर थोड़ा मोनोक्रोम लुक करना चाहती हूँ मैं, तो मैं इसी को ही ब्लश की तरह भी लगा लूँ। Now it's looking nice. Okay, now the lipstick is only left. By the way, मैं इसका एक review जरूर देना चाहती हूँ कि मुझे यही लगता था के ब्यूटी के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, आई शेडो स्टिक हो या फिर कॉन्टोर हो या लिपस्टिक हो, सबकी पैकेजिंग एक जैसी है, सो आई थॉट यार ये तो अच्छा है, आप सब तरीके से यूज कर सकते हो उसको, बट ऐसा नहीं है। मैंने देख लिया ये आई शेडो की तरह ही सबसे बेस्ट काम करेगा, ये ना आपके लिप्स पे काम करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली यार फॉर्मुलेशन का फर्क है, अगर वो लिपस्टिक है तो वो लिपस्टिक है, अगर वो आई शेडो है तो वो आई शेडो स्टिक है। बस पता नहीं कैसे मैंने इसको एज अ ब्लश लगा दिया, बिकॉज इतनी ब्लेंडेबिलिटी थी इसकी, बट लिपस्टिक के लिए मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती, बट इससे बहुत मिलता जुलता कलर है मेरे पास इन लिपस्टिक, विच इज दिस नायका की लिपस्टिक एंड इट्स इन द शेड वेकअप मेकअप। दिस इज सो ब्यूटिफुल, लाइक इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल न्यूड कलर, एंड इस लुक के साथ आएगी इसकी बहुत अच्छे से जाएगा, सो लेट्स जस्ट क्विकली अप्लाई इट, एंड ये ड्राई भी नहीं करेगा बिकॉज इट्स अ बुलेट लिपस्टिक। डन, लिपस्टिक से कितना लुक मेरा तो बहुत चेंज हो जाता है, बिकॉज मेरे लिप्स वैसे ही बड़े डार्की डार्की से। लास्ट स्टेप, ओके हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, पता नहीं आई गेस पता नहीं कितनी देर से यहाँ बैठी हुई हूँ। आई एम गोना बी फिक्सिंग माई मेकअप विथ माई फेवरेट फेवरेट थिंग, इसकी तो पता नहीं मैं कितनी बॉटल मंगवा चुकी, 2 से 3 तो पक्की बात है मंगवा चुकी, ये तीसरी आई गेस, एंड दिस इज अमेजिंग, इतना अफोर्डेबल है प्लस बहुत सही सेट करता है, एक ना नेचुरल ग्लो आ जाएगा मेरे फेस में, आप जस्ट फर्क देखना, अभी देख लो अच्छे से बिल्कुल मुझे।
So we are complete with the look and don't mind my curls guys. रात को किए थे ये सोच के कि सुबह तक टिक जाएंगे but खुल गए हैं काफी ज्यादा but हम assume करेंगे कि curls टिके हुए हैं. Okay, they're good. And yeah, I hope you like the video. आपको ये थोड़ी सी भी helpful हो please 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 like करना and डू टेल मी यार कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए, कुछ न्यू या कुछ भी इंटरेस्टिंग आप मुझे बता सकते हो जो भी आपके माइंड में आए एंड आई विल थिंक अबाउट दैट. सो या आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक. बाय बाय.